हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम में अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो उसे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपकी ईमेल आईडी ऐड है तो उसे आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने जो आपकी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अपनी प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करेंगे। अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से आइकन नहीं आ रहा है तो आप एक बार इस तरीके से यहाँ पर रिफ्रेश कर लीजिएगा और आपके सामने ये आइकन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको थ्री लाइन पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा अकाउंट सेंटर, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद में आप यहाँ पर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा पर्सनल डिटेल्स, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मेरी जो डिटेल्स है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पर यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर मेरी पहले से ही है, ठीक है। नहीं है तो आप यहीं से ही इसे ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो आप यहीं से ही अपनी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, और आपकी ईमेल आईडी ऐड हुई भी है और उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में आ जाता है डिलीट ईमेल आईडी, ये ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में डिलीट पर सिंपली क्लिक कर देंगे और आप यहां पर पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद में आप यहां पर कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कहने का मतलब है यहां पर यह बता रहा है कि जो ईमेल आईडी है वो अभी आपकी यहां पर डिलीट नहीं होगी, पर यहां पर आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप यहां पर दूसरी ईमेल आईडी को लगा सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन मिल गया है ये लिखा हुआ, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपको यहां पर वो ईमेल एड्रेस एंटर कर देना है जिस ईमेल एड्रेस को आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर वन टाइम ओटीपी गया होगा, ठीक है, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना होगा। तो चलिए मैं यहां पर ओटीपी को एंटर कर देता हूं। अब मैंने यहाँ पर अपना OTP डाल दिया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर आप सिंपली क्लिक कर देते हैं तो जो आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पर क्लोज करेंगे तो देख सकते हैं जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।